नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नाशिक शहर में। नाशिक शहर जहां से शिवसेना बीजेपी अलायंस से हेमंत गोडसे चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत गोडसे तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2009 में वो समीर भुजबल से थोड़े से मार्जिन से हारे थे। 2014 में उन्होंने छगन भुजबल जी को हराया और अब तीसरी बार वो मैदान में हैं। सर नमस्ते, पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आपके क्षेत्र में जो हैं, हम घूम रहे हैं सुबह से, तो कुछ लोगों ने बताया हमें कि उनकी रोज़गारी की समस्याएं हैं, इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी बरसों से नहीं आई है। तो आपके पास सर आगे के 5 सालों के लिए क्या रोड मैप है, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ के लोगों को कि वो आपको फिर से जिता दें? मेरे नासिक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में लगभग 70% अर्बन एरिया है और 30% रूरल एरिया है। और अर्बन में जो इश्यूज़ है वो रोज़गार को लेके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके है, और 30% जो रूरल एरिया है वहाँ पे किसानों के इश्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से कि जो ये 5 सालों में हम लोग देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी है, और उसके बाद में किसानों के लिए कोई ऐसी योजनाएँ बने कि ताकि वो भी अच्छे से उनका कुटुंब उधर निर्वाह कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली जो चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। तो हम लोग कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो गई है, नासिक पुणे रेलवे लाइन भी अप्रूव हो गई, उसका भी काम चालू हो रहा है। बाद में नासिक मुंबई जो शहर नेशनल हाईवे है उसका भी लगभग रेडी है। और जो नासिक में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए खास तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने ये 5 सालों में यहाँ के सभी जितनी भी कंपनीज थी, 9 CMDs को उद्योग मंत्री गीते साहब के वहाँ पे बुलाया था, उनकी मीट ली थी और उनको, उनके माध्यम से यहाँ पे वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया और यहाँ के इंडस्ट्रीज वालों को बहुत सा काम उसके माध्यम से मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ऑटोमोबाइल हो गया है तो इंडस्ट्रीज़ के साथ में कोई सेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। उस सेक्टर में मेरे हिसाब से कोई ऐसा सेक्टर जैसे डिफेंस इनोवेशन हब, उसके लिए नासिक जो है वो प्रैक्टिकली फिजिबल है, एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे सब मिलिट्री स्टेशन है। तो उसके माध्यम से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिफेंस की बहुत डेवलपमेंट हो सकती है, तो वो टारगेट रहेगा। दूसरा जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC जो है वो फर्स्ट फेज़ में औरंगाबाद लिया गया था और उसके लिए पहले फेज़ में नासिक लेना था, लेकिन उन्होंने औरंगाबाद इसलिए लिया था कि तभी वो टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और बहाना ये बनाया कि नासिक में पानी नहीं और हम लोग औरंगाबाद को पानी देते, तो हम लोग उसके लिए जो प्रोविज़न लग रही है पानी की, तो उसके लिए 2 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अप्रूव किए हैं, उसके माध्यम से यहाँ पे DMIC आ जाएगा। DMIC और डिफेंस इनोवेशन हब जब तैयार होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा रोज़गार यहाँ पे उपलब्ध होगा। और उसी के साथ में जो है स्किल डेवलपमेंट वर्क, स्किल डेवलपमेंट ये भी एक दूसरी बाजू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है, और उसके लिए भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्किल्ड वर्क कर सो। अच्छा, जैसे कि सर नासिक का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ कोई भी MP 2 बार नहीं चुनकर आया है, यहाँ के लोगों ने हमेशा नए लोगों को मौका दिया है, उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है, तो आपको क्या लगता है इस बार नासिक के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? इससे पहले गोहा देशपांडे करके है, वो 2 बार जीते थे, उसके बाद में कौड़े 30-35 सालों की, हाँ, बात कर 50 साल की बात कर रहा हूँ जी, तो BR कौड़े करके वो भी 2 बार चुन के आए थे। और मुझे ऐसा लगता कि ये 5 सालों में जो हमने खुद ने काम किया है वो, प्लस मोदी सरकार ने जो काम किया है वो, मुझे लगता है लोगों को भाया है। और इतिहास तो जनता ही बनाती है और जनता ही इतिहास तोड़ती है, और ऐसा देखा जाए तो इससे पहले के जो इतिहास है कोई पहले हार कर जीता नहीं है 16वीं लोकसभा तक, वो मैं पहले ही शक था कि पहले 15वीं फिर जीते, ऐसा 16वीं लोकसभा तक कोई नहीं था। अच्छा। और तीसरा दूसरा इशू कि 3 बार किसी को उम्मीदवारी मिली है नहीं, वो भी अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। आप पहले कैंडिडेट है जो लगातार 3 बार यहाँ से खड़े हुए हैं। जनता ही इतिहास बनाती है और जनता ही तोड़ती है, तो निश्चित रूप से इस बार जो माहौल है, इस देश का नेतृत्व पंतप्रधान मोदी साहब करे, ये पूरे देशवासियों की इच्छा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये 5 सालों में उन्होंने जो काम किया है वो 50 सालों में UPA सरकार ने काम नहीं किया है।
तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पिछली बार जब आप जीते थे तो उसमें जो एक मोदी वेव पूरे देश में थी उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। अब जबकि 5 साल बीजेपी की सेंट्रल में सरकार रही है और उसको परख लिया गया है और अब वो हालात नहीं रहे हैं, अब आपको आपके काम पर आंका जाएगा, तो आपको क्या लगता है इस बार थोड़ा टफ है? मुझे ऐसा लगता है कि एज अ नासिक लोकसभा मेंबर, मेरे लोकसभा सदस्य, इसमें मैंने लगभग 5 सालों में हर क्षेत्र में काम किया है। इसमें जो एयरलाइन से, एयर सर्विसेज से नासिक को हमने 9 शहरों से जोड़ा है, वो भी उड़ान स्कीम के अंडर। उसके बाद में 2 रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमने उसके PFR अप्रूव किए हैं, उसका DPR के लिए अप्रूवल मिला है और उसका काम भी 70-80% हो चुका है, ताकि इस पूरे नासिक के पीने का इशू हो, फिर सिन्नर का ड्रॉट एरिया का इशू हो और जो DMIC के लिए जो पानी लगता है उसका इशू हो। फिर तीसरा जो है रेलवे लाइन में हमने बहुत काम किया, मैंने एक रेलवे व्हील रिपेयर वर्कशॉप भी अप्रूव किया है, उसका भी काम शुरू हो गया है। नासिक कल्याण लोकल के लिए मैं हमने जब मैंने हाउस में प्रश्न उपस्थित किया था तो उसी उसका भी टेस्टिंग जल्द से होके वो भी शायद जल्द से जल्द नासिक कल्याण लोकल हो जाएगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नासिक की डेवलपमेंट में निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। तीसरा चौथा कि मैंने एक 100 एकर्स में इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लैब अप्रूव किया है, बड़ा फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिससे पहले महाराष्ट्र से बाहर भोपाल और बेंगलोर में जाते थे, वो नासिक में उसका टेस्टिंग होगा, उसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल हब ये नासिक में होके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फिर किसानों के लिए हमने एक 100 एकर्स में कृषि टर्मिनल मार्केट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कृषि मंत्रालय है उसके माध्यम से ठाणा, नासिक और नागपुर में अप्रूव हुआ था, तो उसका हमने फॉलोअप करके अभी वो अप्रूव हो गया कैबिनेट में, तो उसके माध्यम से अपने जो जितने भी किसान हैं उनको एक इंटरनेशनल व्यासपीठ यहाँ पे उस बाज़ार में कृषि टर्मिनल मार्केट के माध्यम से मिलेगा, उनका जो नुकसान है वो भी कम होगा, तो वो भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। नेट एग्ज़ाम सेंटर है, मैंने नासिक के एजुकेशन के लिए नेट एग्ज़ाम सेंटर, इससे पहले 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स मुंबई पुणे जाते थे एग्ज़ाम्स के लिए, वो यहाँ पे अप्रूव किया तो वो भी उनको रिलैक्सेशन उनको मिल गया है। वर्चुअल क्लास रूम जैसी एजुकेशन में कंसेप्ट हमने लाई है, टेलीमेडिसिन जैसी कंसेप्ट लाई है, ताकि रूरल एरियाज़ के कोई रुग्ण हो वो उनको शहर में न आना पड़े। 100 बेड का मैंने एक नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल जो माता व बाल संगोपन केंद्र जो महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से तो पहला ही है कि सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ महिलाओं के लिए और बालकों के लिए एक सेपरेट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने जो पर्यटन है, टूरिज्म मंत्रालय, उसके माध्यम से प्रसाद योजना है, उससे त्र्यंबकेश्वर पूरे महाराष्ट्र में एक ही जो है जो सिलेक्ट किया गया था, तो उसका भी काम शुरू हो गया है। ऐसी बहुत सी काम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में तो नासिक फर्स्ट होगा कि मैंने 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अप्रूव किए, एक का लोकार्पण भी हो गया, एक का भूमि पूजन हो गया, एक खेलो इंडिया खेलों में किया है और एक राजीव गांधी खेल अभियान अंतर्गत किया है। यहाँ पर हमने सिंहस्थ कुंभ मेला को भी यूनेस्को के लिस्ट में जाने के लिए सूचना की थी, और सबसे बेहतर बात कि इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो पूरे देश में ये पहला एग्रीमेंट करारनामा किया गया है नासिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो मैंने उसके लिए शुरुआत की थी। तो विज्ञान के आधार पर लोकसभा का मतदार संघ का विकास तो वो भी हुआ है जी। अभी आपने किसानों की बात की, हम यहाँ सुबह से घूम रहे और हमें ऐसी बातें सुनाई आ रही थी कि किसान जो है मौजूदा सरकार से, चाहे वो सेंट्रल की मोदी जी की गवर्नमेंट हो या स्टेट की फडणवीस सरकार हो, उनसे नाराज चल रहे हैं। तो आपको लगता है उनकी नाराज़गी जायज़ है? उनका ये इल्ज़ाम कि उनके लिए इन सरकारों ने दोनों ही जगहों पे कुछ खास काम नहीं हुआ है, आपको लगता है कि उनकी नाराज़गी जायज़ है? इस सरकार ने तो 1.5 लाख का उनको वेवर दिया था। अच्छा, हाँ, तो वो लगभग 90% लोगों को मिल चुका है। दूसरी बात जो किसानों की है, तो जो भी डिसीजंस अभी लिए गए हैं, ये तो हर सरकार जब आती है तो किसान अपना कृषि प्रधान देश करके जाना जाता है और उसमें इतने इश्यूज है, तो ये जो सरकार ने एक एक स्टेप्स उठाए तो उसका जो फलित है, जो उसका रिजल्ट्स है, वो निश्चित रूप से आस्ते आस्ते आने वाले हैं। और हर एक को विश्वास है, हर किसान को विश्वास है कि जो हिसाब से मोदी साहब यहाँ पे, मोदी सरकार जो हिसाब से यहाँ पे काम कर रही है, तो
निश्चित रूप से उनको आज नहीं तो कल 100% उनको उनका भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। अच्छा, शिवसेना और बीजेपी अलायंस है, अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं, मतलब जब चुनाव हो जाते हैं और जो 3-4 साल होते हैं, तो शिवसेना और बीजेपी में एक तनातनी चली रहती है। सामना में संपादकीय आते हैं जो सेंट्रल पे बहुत तीखे शब्दों में टिका टिप्पणी होती है, पर जब चुनाव फिर से आ जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। जैसे शिवसेना वाले बीजेपी वालों की तारीफ़ करते हैं, बीजेपी वाले बताने लगते हैं कि शिवसेना बहुत अच्छी है, तो ये क्या प्लान्ड होता है या ये हो जाता है? बस ऐसा देखा जाए, जब लड़ाई होती है जी तो लड़ना तो साथ में ही है जी, और जब ये परिवार है, शिवसेना भाजपा ये परिवार है जी, तो भाइयों में झगड़े तो रहते ही, वो किसके लिए रहते? अपने परिवार को बढ़ाने के लिए रहते। अच्छा, इतने अभी तक जितना भी हुआ है सब, जो शिवसेना ने कभी अपील किया है तो वो किसानों के लिए किया है, कहाँ खुद के लिए, मीन्स जनता के लिए। हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब भी बोलते हैं कि हमारा जो लेन देन है वो सत्ता से नहीं, जनता से है। अच्छा। उसका मतलब ही यही है कि हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे ये लोग कुछ डिसीजन लेने में लेट करेंगे, हम तो लोगों के सामने बोलेंगे कि जल्दी डिसीजन लो, इसमें लड़ने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, आप MNS में रहे हैं, आजकल राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र भर सभाएं कर रहे हैं और मोदी सरकार के लिए बहुत ही एक तीखा स्टैंड लिए हुए हैं, आपको क्या कहना है इसका? मैं कहने से अच्छा कि नासिक की जनता ने इससे पहले ही सब कह चुके हैं। नासिक की जनता इससे पहले ही कह चुके सर, एक और सवाल, एक दो छोटे छोटे सवाल। नासिक में बाहरी लोग भी होंगे मैं समझता हूँ, शिवसेना की एक ऐसी छवि रही है कि वो स्थानीय लोगों को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, तो आपको क्या लगता है बाहरी लोग आपको क्यों वोट दें? मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत है जी। शिवसेना में कोई जाति धर्म भेदभाव कभी भी नहीं रहा है जी। जो इंसानियत के नाते अगर कुछ भी काम पड़ता है तो सबसे पहला शिवसैनिक वहाँ पर पहुँचता है। अच्छा, तो एक लास्ट सवाल आपसे, अब मैं जानता हूँ आप बिजी हैं, आपको जाना है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया है, ठीक है, उससे पूरे देश में इस वक्त हलचल है कि साध्वी जी ने फिर टिकट अनाउंस होने के बाद शहीद करकरे के बारे में वो बयान दे दिया, उससे और ज़्यादा लोगों में गुस्सा है कि एक शहीद का अपमान किया, तो क्या शिवसेना बीजेपी की ऐसी कंट्रोवर्सीज को से खुद को दूर रखती है, या आपको लगता है कि हाँ ये जायज़ है, जस्टिफाइड है, बीजेपी ने किसी को टिकट दिया है? मुझे लगता है कि किसी को टिकट देना वो पक्ष के प्रमुख हो, उसके जिम्मेदार कोई पदाधिकारी हो वो देते हैं, रही बात शिवसेना उनकी, तो हम मुझे ऐसा लगता कि हमारे उद्धव साहब बहुत ही दूरदृष्टि रख के अच्छा अच्छी सोच रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी निर्णय लेते हैं उसकी उनके पीछे हम सब शिवसैनिक उनके साथ रहते हैं। वो जो भी निर्णय लेते हैं उनके पीछे सारे शिवसैनिक साथ खड़े रहते हैं। शिवसेना का ये कल्चर, शिवसेना का ये किरदार उसको अभी भी रेस में रखे हुए हैं।